एल लोड के साथ में क्या होता है, विथ आर एल लोड वी कनेक्ट एयर आर एंड एल, डायोड कनेक्ट कर देंगे यहाँ पर, लोड करंट की वैल्यू क्या होगी, बी एस वाई आर वन माइनस ई की पावर माइनस आर वाई एल टी। तो ये हो जाएगा हमारे पास टाइम कॉन्स्टेंट आर आर वाई एल टी। तो वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर क्या होगा, वी एल टी, वी एल टी होगा बी एस ई की पावर माइनस आर वाई एल टी, ये हो जाता है वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर। उसके बाद में इनिशियल रेट ऑफ राइज ऑफ करंट, क्योंकि यहाँ पर क्या है, इनिशियल रेट ऑफ राइज ऑफ वोल्टेज है, यहाँ पर इनिशियल रेट ऑफ राइज ऑफ करंट होगी, तो ये बी एस वाई एल होगा। तो इससे हम निकालते हैं एट टाइम टी इक्वल टू जीरो, टाइम टी इक्वल टू जीरो रखते हैं तो क्या होगा, टाइम टी इक्वल टू जीरो रखते ही इंडक्टर है इंसुलेटर की तरह वर्क करता है, और टाइम टी इक्वल टू इन्फाइनाइट पे इंडक्टर है वो कंडक्टर की तरह वर्क करता है। तो यानी टी इक्वल टू जीरो रखते हैं यहाँ पर, बी एल की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंडक्टर अक्रॉस दी वोल्टेज बी एस ई की पावर माइनस आर वाई एल टी, टी की वैल्यू जीरो रखते हैं की पावर माइनस जीरो हो जाएगी, की पावर जीरो बन हो जाए, तो ये आ जाएगा वोल्टेज सेम टू सेम, इंडक्टर वोल्टेज बी एस रहता है, इसका मतलब क्या है, वो इंसुलेटर की तरह वर्क करता है, इक्वल टू इन्फिनिट पर जीरो जाता है, इसका मतलब क्या है, कंडक्टर की तरह वर्क कर रहा है। और हम देखते हैं आरसी लोड के अंदर क्या होता है, आरसी लोड के अंदर ऑपरेशन क्या होती है इसकी, वो हम देख लेते हैं। जब आरसी लोड होगा तो आरसी कनेक्ट कर देंगे हम यहां पर डायोड के अक्रॉस, आर और सी कनेक्ट कर दिया है, लोड करंट की वैल्यू क्या होगी, इस तरीके से होगी लोड करंट की वैल्यू बी एस अंडर रूट सी वाई एस, तो ये हो जाती है हमारे पास लोड करंट की वैल्यू, लोड करंट वैल्यू है वो आई टी इक्वल टू बी एस अंडर रूट सी वाई एल साइन ओमेगा नॉट टी, ये हमारे पास में आई टी की वैल्यू हो जाएगी। और जो यहाँ पर जो आई टी की वैल्यू है बी एस अंडर रूट सी वाई एल, और ये जो वैल्यू है आई पी की वैल्यू, पी करंट की वैल्यू है बी एस अंडर रूट सी वाई एल। उसके बाद में आती है हमारे पास में रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ सर्किट, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ सर्किट क्या हो जाएगा, ओमेगा नॉट इक्वल टू वन बाई रूट एल सी। उसके बाद में आता है वोल्टेज अक्रॉस दी कैपेसिटर, वोल्टेज अक्रॉस दी कैपेसिटर कैसे निकालेंगे, अगर वोल्टेज अक्रॉस दी कैपेसिटर निकालना है तो बी सी टी की वैल्यू बी एस वन माइनस कॉस ओमेगा नॉट टी, ये वोल्टेज अक्रॉस दी कैपेसिटर आ जाएगा। उसके बाद में वोल्टेज अक्रॉस दी इंडक्टर कैसे आएगा, बी एल टी दिस इज इक्वल टू बी एस कॉस ओमेगा नॉट टी, तो ये वोल्टेज अक्रॉस दी इंडक्टर आ जाएगा बी एस कॉस ओमेगा नॉट टी। इसकी वेवफॉर्म इस तरीके से होती है, नीचे की साइड जाती हुई, और इसकी वेवफॉर्म ऊपर की साइड जाती हुई होती है, क्योंकि इसमें वन माइनस कॉस ओमेगा नॉट टी आता है, वन माइनस कॉस ओमेगा नॉट टी का आने का मतलब क्या है, कि जो डायरेक्शन है वोल्टेज वेवफॉर्म की वो रिवर्स हो जाएगी, इंडक्टर में वो अलग होती है और कैपेसिटर में अलग होती है। इसके बाद में हम देखते हैं एक और अवस्था हमारे पास में, जो वैल्यू बचती है वो है कंडक्शन टाइम, कंडक्शन टाइम क्या होता है, कंडक्शन टाइम टी नॉट इक्वल टू पाई बाई ओमेगा नॉट टी से हम निकालते हैं कंडक्शन टाइम, तो ये हो जाता है पाई रूट एलसी। तो ये कंडक्शन टाइम पाई रूट एलसी है हमारा, वो किसके लिए होगा, आरसी सर्किट के लिए होगा, आरएल सर्किट के लिए, एलसी सर्किट के लिए ये कंडक्शन टाइम होगा। तो यहां पर हम जो कनेक्ट करते हैं, ये वैल्यू जो कनेक्ट की हुई है, ये सी और एल कनेक्ट की हुई है, तो हम यहां पर क्या कनेक्ट करते हैं, यहां पर हम एल और सी और आर तीनों कनेक्ट कर देते हैं आरएलसी में। आरएलसी में जाने से पहले हम दो बातें याद कर लेते हैं, एक भी प्रोवाइड डीसी वोल्टेज टू एलसी पैरामीटर, एलसी पैरामीटर में अगर हम डीसी प्रोवाइड करते हैं, यानी कि डीसी हम देते हैं एलसी पैरामीटर के अंदर, तो उससे क्या इफेक्ट पड़ेगा, अगर हम डीसी देंगे एलसी पैरामीटर के अंदर तो करंट है वो अल्टरनेटिंग नेचर की होगी, एलसी पैरामीटर के अंदर डीसी देते हैं तो करंट अल्टरनेटिंग एसी टाइप की होगी। इन एलसी सर्किट व्हेन करंट फ्लो साइन कर्व वोल्टेज फ्लो कोसाइन कर्व, अगर एलसी सर्किट में क्या है, अगर करंट है साइन साइन कर्व में फ्लो होगी तो वोल्टेज है कोसाइन कर्व में फ्लो होगा, वोल्टेज का फ्लो कोसाइन टर्म, करंट फ्लो साइन टर्म। करैक्टरिस्टिक्स यूज फॉर कॉम्पिटिशन टेक्निक, ये जो करैक्टरिस्टिक्स है हम कॉम्पिटिशन टेक्निक में करैक्टरिस्टिक्स को यूज करते हैं। फिर आता है आरएलसी लोड, आरएलसी लोड में तीनों हम कनेक्ट कर देते हैं, आरएलसी
तीनों कनेक्ट करने के बाद में क्या होता है, जो करेक्टरिस्टिक इक्वेशन आती है, करेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होती है आरएलसी की, एस स्क्वायर प्लस आर बाई एल एस प्लस वन बाई एल सी इक्वल टू जीरो, ये होती है करेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ द आरएलसी लोड। तो डैम्पिंग फैक्टर क्या हो जाएगा, डैम्पिंग फैक्टर हो जाएगा अल्फा इक्वल टू आर बाई टू एल, दिस इज इक्वल टू ईटा ओमेगा नॉट टी, ये हो जाएगा डैम्पिंग फैक्टर, डैम्पिंग फैक्टर इक्वल टू आर बाई टू एल ईटा ओमेगा नॉट टी। तो रिंगिंग फ्रीक्वेंसी होती है, रिंगिंग फ्रीक्वेंसी हो जाएगी ओमेगा आर इक्वल टू अंडर रूट ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर इन रेडियन पर सेकेंड, रिंगिंग फ्रीक्वेंसी हो जाएगी ओमेगा आर इक्वल टू अंडर रूट ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर, ये होती है रेडियन पर सेकेंड में। उसके बाद में अंडर डैम्प्ड है, क्रिटिकल डैम्प्ड है, ओवर डैम्प्ड है। अंडर डैम्प्ड में क्या होगा, ये सेक्शन होगा अंडर डैम्प्ड है, फिर है क्रिटिकली डैम्प्ड है, क्रिटिकल डैम्प्ड में ये सर्किट होगा क्रिटिकल डैम्प्ड, और ओवर डैम्प्ड है, ओवर डैम्प्ड में ये हमारे पास में वेवफॉर्म आएगी, यानी वेवफॉर्म का रूप है वो इस तरीके से आएगा। तो सबसे बढ़िया वेवफॉर्म आती है वो अंडर डैम्प्ड में आती है, क्रिटिकल डैम्प्ड में उससे कम आती है और अंडर डैम्प्ड में और कम वेवफॉर्म आएगी। तो इस तरीके से हमारे पास में जो फ्रीक्वेंसी को राइज करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग वेवफॉर्म आ जाती है। अगर अल्फा की वैल्यू ओमेगा नॉट से लेस देन है, जो अल्फा हमने निकाला है अल्फा आर बाई टू एल, ये आर बाई टू एल की वैल्यू अगर ओमेगा नॉट से कम है तो क्या होगा, रूट्स ऑफ करेक्टरिस्टिक इक्वेशन है वो कॉम्प्लेक्स होंगे और सर्किट डैम्प्ड कहलाएगा। जैसे कि हम देखते हैं यहाँ पर, अल्फा की वैल्यू अगर लेस देन होगी इस कंडीशन में, इसी सर्किट के अंदर अल्फा की वैल्यू ओमेगा नॉट से कम होगी, तो ओमेगा नॉट की वैल्यू क्या होती है, यहाँ पर ओमेगा नॉट की जो वैल्यू होती है अगर हम यहाँ पर कैलकुलेट करें ओमेगा नॉट की वैल्यू, तो अगर करेक्टरिस्टिक इक्वेशन को कंपेयर करके कैलकुलेट करें तो ओमेगा नॉट की वैल्यू आ जाती है हमारे पास में इक्वल टू वन बाई रूट एल सी। इससे हम ओमेगा नॉट की वैल्यू निकालते हैं, और अल्फा की वैल्यू होती है हमारे पास में आर बाई टूएल, अल्फा की वैल्यू होती है आर बाई टूएल। अगर ये अल्फा की वैल्यू ओमेगा नॉट से लेस देन है तो क्या होगा, उस कंडीशन में सर्किट अंडर डैम्प्ड कहलाएगा और रूट्स हैं करेक्टरिस्टिक इक्वेशन को भी कॉम्प्लेक्स होंगे। अगर अल्फा की वैल्यू ओमेगा नॉट से ज्यादा है तो इसका मतलब क्या है, रूट रियल होंगे और सर्किट ओवर डैम्प्ड होगा। तो वहां पर आई टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, अगर अंडर डैम्प्ड होगा सर्किट, जैसे कि सर्किट अंडर डैम्प्ड होगा, हम इसमें देखते हैं, सर्किट अगर अंडर डैम्प्ड हो तो अंडर डैम्प्ड की कंडीशन में क्या होगी, अंडर डैम्प्ड की कंडीशन में आई टी की वैल्यू है, जो आई टी की वैल्यू हम निकालते हैं वो आई टी की वैल्यू मैं लिखता हूं, आई टी की वैल्यू ये इक्वल टू होगी बी एस बाई ओमेगा आर एल, तो बी एस बाई ओमेगा आर एल, यहां पर हम लिख देते हैं बी एस बाई ओमेगा आर एल ई की पावर माइनस एटी, अंडर डैम्प्ड कंडीशन होगी ये साइन ओमेगा आर टी, साइन ओमेगा आर टी, ये हमारी वेवफॉर्म आएगी। अगर अंडर डैम्प्ड होगा तो अंडर डैम्प्ड की कंडीशन में हमारी जो कंडीशन है अल्फा की वैल्यू ओमेगा नॉट से ज्यादा हो जाएगी, और अंडर डैम्प्ड की कंडीशन में हमारे पास में जो आई टी की वैल्यू हो जाएगी वो आ जाएगी बी एस डिवाइड बाई एल अंडर रूट अल्फा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर क्या होता है, यहाँ पर जो ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर होता है ओमेगा आर, जिसे हम राइजिंग फ्रीक्वेंसी कहते हैं, रिंगिंग फ्रीक्वेंसी कहते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या होगा ओवर डैम्प की कंडीशन में, ओवर डैम्प की कंडीशन में अल्फा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर आएगा हमारे पास में साइन हाइपरबोलिक, साइन हाइपरबोलिक अंडर रूट अल्फा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर। उसके बाद में आता है, इसको करने के बाद में हमारे पास जो वैल्यू आती है वो आती है क्रिटिकली डैम्प्ड की कंडीशन आती है,
क्रिटिकल डैम्प्ड कंडीशन में क्या होगा, अल्फा इक्वल टू अल्फा नो ओमेगा नॉट होगा, तो वहां पर जो वैल्यू आएगी आई टी की वैल्यू क्रिटिकल डैम्प्ड में, तो क्रिटिकल डैम्प्ड में जो वैल्यू आती है वो आई टी इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास में वी एस वाई एल, वी एस डिवाइड बाई एल टी ई की पावर माइनस सी टी। तो ये हमारे पास में जो वैल्यू है वो क्रिटिकली डैम्प्ड कंडीशन में आ जाएगी। अब परफॉर्मेंस पैरामीटर क्या होते हैं, परफॉर्मेंस पैरामीटर अगर हम देखें किसी भी इसके लिए तो कैसे होंगे परफॉर्मेंस पैरामीटर, तो परफॉर्मेंस पैरामीटर हम देख लेते हैं यहां पर इस सेक्शन में। परफॉर्मेंस पैरामीटर में एक तो बीएस होता है हमारे पास में, आरएमएस वैल्यू ऑफ सप्लाई फेज वोल्टेज, जो भी आरएमएस वैल्यू होती है सप्लाई फेज वोल्टेज की वो हमारे परफॉर्मेंस पैरामीटर के अंदर आता है। एक होता है हमारे पास में आईएस की वैल्यू, आईएस की वैल्यू भी परफॉर्मेंस पैरामीटर में आती है। ये होती है आरएमएस वैल्यू ऑफ सप्लाई फेज करंट इंक्लूडिंग फंडामेंटल एंड हार्मोनिक्स, तो ये सप्लाई फेज करंट की आरएमएस वैल्यू होती है आईएस। एक हमारे पास होता है आईएस वन की वैल्यू, ये क्या होती है आईएस वन की वैल्यू होती है आरएमएस वैल्यू ऑफ फंडामेंटल कंपोनेंट ऑफ सप्लाई करंट, तो ये आई एस होती है, आई एस वन होती है। अगर इस परफॉर्मेंस पैरामीटर को हम ड्रॉ करते हैं तो ड्रॉ कैसे करेंगे हम इस परफॉर्मेंस पैरामीटर को, जैसे कि हमने क्या है सबसे पहले वेवफॉर्म खींच ली है, वेवफॉर्म के बाद में ये हमारे पास में ओमेगा टी हो जाता है, जैसे कि ये सेक्शन हमारे पास में ओमेगा टी हो गया। ओमेगा टी सेक्शन होने के बाद में हम क्या है सबसे पहले जो बी एस हम देते हैं सोर्स वोल्टेज वो हम खींच देते हैं, जैसे कि ये बी एस हो जाता है इस तरीके का, हमारे पास में बी एस हो जाएगा, ये बी एस हो गया। तो ये जो मैक्सिमम वैल्यू है यहाँ पर ये वैल्यू है, ये वैल्यू कहलाती है हमारी बी एम, क्योंकि ये पीक वैल्यू है इसे बी एम कहते हैं। उसके बाद में दूसरी हमारे पास में आती है आई एस की वैल्यू, जो आर एम एस वैल्यू ऑफ सोर्स फेज करंट है इंक्लूडिंग फंडामेंटल हार्मोनिक्स। तो आई एस की वैल्यू किस तरीके से आएगी, अल्फा पे अगर हम फायर कर रहे हैं सीआर को, तो यहाँ पर अगर हम फायर कर रहे हैं तो ये वैल्यू हमारे पास इस तरीके से आएगी, यहाँ से यहाँ तक आएगी, फिर ये नेगेटिव हो जाएगी, फिर यहाँ से यहाँ, फिर दोबारा पॉजिटिव हो जाएगी यहाँ पर फायर कर रहे हैं तो, फिर यहाँ पर नेगेटिव हो जाएगी, इस तरीके से आएगी। तो ये होती है हमारे पास में आई एस की वैल्यू, और ये होती है हमारे पास में बी एस की वैल्यू, तीसरी वैल्यू होती है हमारे पास में आई एस वन की वैल्यू। तो आई एस वन की वैल्यू किस तरीके से आएगी, आई एस वन की वैल्यू है हमारे पास में इस तरीके से फ्लो होगी, यानी यहां से जाएगी इस तरीके से, और ये यहां से आएगी, फिर यहां से जाएगी दोबारा, फिर यहां से आएगी इस तरीके से, ये फ्लो होती है, ये होती है हमारी आई एस वन, जिसे हम कहते हैं आर एम एस वैल्यू ऑफ फंडामेंटल कंपोनेंट ऑफ सप्लाई करेंट, दिस इज कॉल्ड आई एस वन। तो ये परफॉर्मेंस पैरामीटर होते हैं, ये हमारी वेवफॉर्म हो जाएगी। इनपुट पावर फैक्टर देखते हैं, इनपुट पावर फैक्टर क्या होता है, इनपुट पावर फैक्टर होता है मीन एसी इनपुट वोल्ट पावर डिवाइड बाई टोटल आरएमएस इनपुट वोल्ट एम्पीयर, वो होता है हमारे पास पावर फैक्टर। तो ये पावर फैक्टर फॉर्मूला हो जाएगा, और ये पावर फैक्टर है आई एस वन डिवाइड बाई आई एस कॉस फाई वन है, मीन एसी इनपुट पावर है वो है आई एस वन क्योंकि फंडामेंटल कंपोनेंट के साथ में, और टोटल आरएमएस इनपुट वोल्ट एम्पीयर है वो है आई एस, जैसे कि हम यहाँ पर वेवफॉर्म देख सकते हैं, ये हमने खींची है डी एस है, ये वाला सेक्शन है बी एस है, ये वाला सेक्शन है वो आई एस है, और ये नीचे वाला सेक्शन है वो आई एस वन है। तो ये परफॉर्मेंस पैरामीटर ऑफ कैपेसिटर के अंदर आते हैं, और वैसे भी हम देख सकते हैं कि कैपेसिटर इक्वेशन की जो कॉम्प्लेक्स कैपेसिटर इक्वेशन है उसके रूट कॉम्प्लेक्स कब होंगे, जब अल्फा की वैल्यू ओमेगा नॉट से लेस देन हो, तो सर्किट अंडर डैम्प्ड कहलाएगा, और हमारे पास में आई टी की वैल्यू आ जाएगी बी एस वाई ओमेगा आर एल की पावर माइनस सी टी साइन ओमेगा आर टी। अगर अल्फा की वैल्यू ओमेगा नॉट से ज्यादा है रूट्स रियल होंगे, इसका मतलब क्या है सर्किट अंडर डैम्प्ड होगा, ओवर डैम्प्ड होगा,
ओवर डैम्प्ड की कंडीशन में आईटी की वैल्यू हो जाती है बीएस बाई एल अंडर रूट एल्फा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर साइन एच साइन हाइपरबोलिक अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर। तीसरी कंडीशन आ जाती है हमारे पास में, तीसरी कंडीशन में क्या है और अल्फा इक्वल टू ओमेगा नॉट हो जाएगा तो रूट इक्वल हो जाएंगे, सर्किट हमारा क्रिटिकली डैम्प्ड हो जाएगा, आईटी की वैल्यू बीएस बाई एल टी ई की पावर माइनस एटी हो जाएगी। अब देखते हैं आरएमएस वैल्यू ऑफ हार्मोनिक्स कंपोनेंट, हार्मोनिक्स कंपोनेंट की आरएमएस वैल्यू क्या होती है। आरएमएस वैल्यू में हम जैसे कि आरएमएस वैल्यू निकालते हैं कोई भी हार्मोनिक्स कंपोनेंट की तो वो होती है हमारे पास में आई एस स्क्वायर माइनस आई एस वन स्क्वायर, यानी कि आई एस क्या होता है आई एम एस आई एस वन क्या होता है आई एस वन जो वैल्यू है हमारे पास में वो होती है आरएमएस वैल्यू ऑफ फंडामेंटल कंपोनेंट ऑफ सप्लाई करेंट। आई एस की आरएमएस वैल्यू और फंडामेंटल कंपोनेंट जो आई एस में फंडामेंटल कंपोनेंट होते हैं उनकी आरएमएस वैल्यू होती है आई एस वन और आई एस होती है हमारे पास में सोर्स करेंट। आरएमएस आई एस है आरएमएस वैल्यू ऑफ सप्लाई फेज करेंट इंक्लूडिंग फंडामेंटल हार्मोनिक्स, तो इसमें सप्लाई फेज करेंट होती है जो हार्मोनिक्स के साथ इंक्लूड होती है वो आई एस होती है। इनपुट करेंट हार्मोनिक्स फैक्टर क्या होते हैं, इनपुट करेंट हार्मोनिक्स फैक्टर है वो होते हैं आई एच यानी कि जो भी हार्मोनिक्स कंपोनेंट आए हमारे पास में डिवाइड बाई एस वन, ये होती है हार्मोनिक्स फैक्टर ऑफ इनपुट करंट। तो एस को इस तरीके से लिख सकते हैं आई एच की वैल्यू यहाँ से पुट कर देते हैं अंडर रूट आई एस स्क्वायर माइनस आई एस वन स्क्वायर डिवाइड बाई आई एस वन का स्क्वायर। अब है क्रीस्ट फैक्टर, क्रीस्ट फैक्टर क्या होता है आई एस बी डिवाइड बाई आई एस, ये होता है हमारे पास में क्रीस्ट फैक्टर, क्रीस्ट फैक्टर। फॉर्म फैक्टर क्या होता है बी ओ आर डिवाइड बाई बी आउटपुट, ये होता है हमारे पास फॉर्म फैक्टर। जैसे कि हम देखते हैं यहाँ पर आई एस बी क्या है पीक इनपुट करेंट, तो जैसे हम देखते हैं ये फॉर्म फैक्टर है, फॉर्म फैक्टर क्या है वी आउटपुट आर एम एस डिवाइड बाई बी आउटपुट, तो बी आउटपुट आर है ये आर एम एस वैल्यू ऑफ आउटपुट वोल्टेज और बी आउटपुट है एवरेज वैल्यू ऑफ आउटपुट वोल्टेज। डिस्प्लेसमेंट फैक्टर क्या होगा डी एफ होगा कॉस फाइव वन, ये होता है हमारे पास में डिस्प्लेसमेंट फैक्टर। रिपल वोल्टेज क्या होता है रिपल वोल्टेज होगा बी आर इक्वल टू बी ओ आर का स्क्वायर माइनस बी आउटपुट स्क्वायर, तो बी ओ आर क्या है आर एम एस वैल्यू ऑफ आउटपुट वोल्टेज है यहाँ पर, जो बी ओ आर है आर एम एस वैल्यू आउटपुट वोल्टेज और बी आउटपुट है एवरेज वैल्यू ऑफ आउटपुट वोल्टेज। वोल्टेज रिपल फैक्टर क्या होता है ट्रांसफार्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर क्या होता है, ये दोनों टर्म हम देखते हैं वोल्टेज रिपल फैक्टर और ट्रांसफार्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर। वोल्टेज रिपल फैक्टर होता है बी एफ डिवाइड बाई बी आउटपुट, तो ये हो जाएगा वोल्टेज रिपल फैक्टर बी आर डिवाइड बाई बी आउटपुट। तो बी आर की वैल्यू हमें पता है बी आर की वैल्यू क्या होती है बी आर की वैल्यू होती है अंडर रूट बी ओ आर स्क्वायर बी ओ आर स्क्वायर माइनस के बी आउटपुट स्क्वायर। अब बी ओ आर की भी वैल्यू होती है वो हम क्या है बी ओ आर होता है आर एम एस वैल्यू ऑफ आउटपुट वोल्टेज और बी आउटपुट होता है एवरेज वैल्यू ऑफ आउटपुट वोल्टेज, तो इन दोनों से हम निकाल लेते हैं। फिर ट्रांसफार्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर टफ जैसे पी डी सी वाई वी एस वाई आई एस, ये होता है ट्रांसफार्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर। वी एस होता है आर एम एस वोल्टेज ऑफ सेकेंडरी वाइंडिंग ऑफ ट्रांसफार्मर, ये होता है हमारे पास वी एस आर एम एस वोल्टेज ऑफ सेकेंडरी वाइंडिंग ऑफ ट्रांसफार्मर। आई एस होता है आर एम एस करंट ऑफ सेकेंडरी वाइंडिंग ऑफ ट्रांसफार्मर वो आई एस होता है। पी डी सी होता है बी आउटपुट आई आउटपुट डी सी आउटपुट पावर है वो पी डी सी हो जाएगा, बी आउटपुट हो जाएगा एवरेज आउटपुट वोल्टेज वो हो जाता है हमारे पास बी आउटपुट, आई आउटपुट है एवरेज आउटपुट करंट की वैल्यू हो जाती है आई आउटपुट। डायोड रेक्टिफायर, डायोड रेक्टिफायर में क्या होता है डायोड रेक्टिफायर में बेसिकली एक रेक्टिफायर होता है जिसे डायोड कहते हैं, इसे कहते हैं अनकंट्रोल्ड रेक्टिफायर बिकॉज इट एवरेज आउटपुट वोल्टेज इज फिक्स्ड डीसी वोल्टेज, इसका जो एवरेज आउटपुट वोल्टेज आएगा डायोड रेक्टिफायर का वो फिक्स्ड डीसी वोल्टेज आएगा, यानी एसी को डीसी बदलने का काम करता है। सबसे पहले देखते हैं हम सिंगल फेज हाफ डायोड रेक्टिफायर, फिर उसके बाद में हम इसकी सीरीज के बारे में पढ़ते हैं। तो सिंगल फेज हाफ वेव डायोड रेक्टिफायर में क्या है रेजिस्टिव लोड में हम देखते हैं, सबसे पहले इसको रेजिस्टिव लोड में जैसे रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया है लोड के रूप में तो ये हो जाता है हमारे पास में रेजिस्टिव लोड। डायोड यहाँ पर कनेक्टेड है रेजिस्टेंस यहाँ पर कनेक्टेड है बी एम साइन ओमेगा नॉट टी हम क्या दे रहे हैं इस पर इनपुट सप्लाई दे रहे हैं। तो वोल्टेज की आरएमएस वैल्यू ऑफ आउटपुट वोल्टेज क्या होगा आरएमएस वोल्टेज आरएमएस वैल्यू ऑफ आउटपुट वो होगी बी ओ आर इक्वल टू बी एम बाई टू, बी एम होता है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ सोर्स वोल्टेज, तो ये होती है
Vm इक्वल टू मैक्सिमम वैल्यू ऑफ सोर्स वोल्टेज, इस वजह से आया है Vs, एवरेज वैल्यू ऑफ आउटपुट वोल्टेज, एवरेज वैल्यू ऑफ आउटपुट वोल्टेज है वो क्या आता है, एवरेज वैल्यू ऑफ आउटपुट वोल्टेज आता है बी आउटपुट इक्वल टू बी एम बाई पाई, तो ये होता है एवरेज वैल्यू ऑफ आउटपुट वोल्टेज। उसके बाद में हम देखते हैं वी आउटपुट इक्वल टू बी एम बाई पाई, ये होता है एवरेज वैल्यू ऑफ आउटपुट वोल्टेज। पावर डिलीवर्ड क्या होता है, आर एम एस लोड वोल्टेज डिवाइड बाई आर एम एस लोड करंट, ये होता है पावर डिलीवर्ड, आई आउटपुट आर एम एस का स्क्वायर इंटू आर, ये होता है पावर डिलीवर्ड। पावर डिलीवर्ड है आर एम एस लोड वोल्टेज आर एम एस लोड करंट, ये होता है पावर डिलीवर्ड। पावर इक्वल टू आई आउटपुट स्क्वायर इंटू आर, फिर आई आउटपुट आर है आर एम एस वैल्यू ऑफ लोड करंट हो जाएगी। पीक इनवर्स वोल्टेज है पी आई वी, पीक इनवर्स वोल्टेज को कहते हैं हम वी एम। इनपुट पावर फैक्टर क्या होता है, इनपुट पावर फैक्टर होता है पावर डिलीवर्ड टू दी लोड डिवाइड बाई इनपुट वी ए, ये होता है इनपुट पावर फैक्टर, पावर डिलीवर टू दी लोड डिवाइड बाई इनपुट वी ए। फिर होता है इनपुट पावर फैक्टर बी ओ आर आई ओ आर डिवाइड बाई बी ओ आर आई ओ आर डिवाइड बाई बी एस आई ओ आर, तो ये वैल्यू हो जाएगी इनपुट पावर फैक्टर की 0.707। पीक इनवर्स वोल्टेज होता है मैक्सिमम वोल्टेज दैट अपीयर अक्रॉस द डिवाइस ड्यूरिंग इट्स ब्लॉकिंग स्टेट, वो होता है पीक इनवर्स वोल्टेज। पीक इनवर्स वोल्टेज इज द मैक्सिमम वोल्टेज दैट अपीयर अक्रॉस द डिवाइस ड्यूरिंग द ब्लॉकिंग स्टेट। अब आता है इंडक्टिव लोड, इंडक्टिव लोड में क्या होता है, इंडक्टिव लोड में दो ऑपरेशन होती है हमारे पास में, जैसे कि डायोड है और ये हमारे पास में इंडक्टर है। इसमें जो बीएस की वैल्यू है बीएम साइन ओमेगा टी, ये होती है इंडक्टिव लोड। आउटपुट करंट क्या होती है, आउटपुट करंट आई आउटपुट इक्वल टू बीएम बाई ओमेगा एल वन माइनस कॉस ओमेगा नॉट टी, ये होती है आउटपुट करंट। पीक वैल्यू ऑफ करंट है, पीक वैल्यू ऑफ करंट क्या होती है आई मैक्सिमम इक्वल टू टू बीएम बाई ओमेगा एल, ये होती है पीक वैल्यू ऑफ करंट आई मैक्सिमम डिवाइड बाई टू बीएम बाई ओमेगा एल, तो ये पीक वैल्यू ऑफ करंट होगी। अगर एवरेज वैल्यू ऑफ करंट क्या होगी, एवरेज वैल्यू ऑफ करंट होगी आई आउटपुट वन बाई टू मैक्सिमम, तो ये एवरेज वैल्यू ऑफ करंट होती है सिंगल फेज हाफ वेव डायोड रेक्टिफायर के अंदर, यानी कि इंडक्टिव लोड होगा तब हमारे पास में ये वैल्यू होती है आई मैक्सिमम बाई टू, और यही वैल्यू हम देखते हैं कि आर एम एस वैल्यू फंडामेंटल करंट क्या होती है। आर एम एस वैल्यू फंडामेंटल करंट होती है आई आउटपुट बाई रूट टू, ये आर एम एस वैल्यू फंडामेंटल करंट हो जाएगी।